खबर गौतम बुद्ध नगर से, जहां पर स्कूल चेयरमैन ने छात्रा के साथ में दुष्कर्म किया है, ऐसी खबर आ रही है। जहां पर टीसी देने के बहाने छात्रा को चेयरमैन ने बुलाया और उसके बाद में जान से मारने की धमकी दी। बाद में दुष्कर्म करने के बाद कि अगर किसी से बताया तो। आरोपी चेयरमैन को पुलिस ने इस वक्त गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करके उसे अब जेल भेज दिया गया है। तो एक छात्रा को टीसी देने के बहाने एक शख्स ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में बुला करके उसके साथ में दुराचार किया, दुष्कर्म किया और फिर उस छात्रा को धमकाता रहा कि अगर किसी के सामने जबान खोले तो फिर अंजाम भुगतना होगा। हालांकि इस बीच में जब जानकारी पुलिस तक पहुंची, जब शिकायत गई, उसके बाद में उस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सूचना प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा तुरंत अभियुक्त को तलाश कर लिया गया था और एसीपी महिला सुरक्षा द्वारा मौके पर पहुंचकर गहनता से पूछताछ कर इसमें मुकदमा पंजीकृत करवाया गया है। इसमें अभियुक्त और पीड़िता एक दूसरे के संपर्क में तब आए जब पीड़िता को अपने भाई का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेना था, क्योंकि अभियुक्त जो है एक स्थानीय स्कूल के चेयरमैन हैं। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देने के बहाने से उनके द्वारा पीड़िता को बुलाया गया और ये दुष्कर्म पारित किया गया। सभी विधिक कार्रवाई प्रचलित है।